चले जाओ यहाँ पर, उनके जगह पे जाओ ना। हम सभी नौजवान युवा साथियों को अभिभावकों को यहाँ स्वागत करने का काम करते हैं, आप धन्यवाद देने का काम करते हैं। आज हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा और जो विषय है उसको लेकर के हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप लोगों का समर्थन मांग लिया है, जो आंदोलन हम लोग के लिए आप लोग समझिए यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, आप ध्यान से बताइए, आप लोग बेरोजगार हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं बेरोजगारी हटाने के लिए और आप लोगों का साथ मिलना चाहिए। अभी एक सर्वे आया कि देश में 40 साल बाद ऐसी स्थिति आई है बेरोजगारी की, कितना बेरोजगारी बढ़ गया देश के 40 साल बाद ये लोगों का काम किया। अखबारों में समाचार में ये भी पड़ा होगा एनडीए करने वाला लोग भी सरकारी चपरासी में भर रहा है, भरना कि नहीं भरना, ये स्थिति नहीं बनी हुई। हम लोग कहाँ रहेंगे, आप देखिएगा, आप लोगों से वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का है। चुनाव आने के बाद जब नौजवान अपना रोजगार मांग रहे थे, मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे, हमको रोजगार पेट भरने के लिए हम तो तैयार है, लेकिन मोदी जी आप 15 लाख रुपए का जो वादा किए थे कम से कम उसमें से 2-4 लाख रुपए बोली कर दिए, लेकिन हम तो सबका सम्मान करते हैं, पकौड़ा बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब कुछ, लेकिन आप एक बात समझिए कि हर साल जब 2 करोड़ लोग पकौड़ा बनाए तो पकौड़ा कौन खाए, पकौड़ा कौन खाएगा, मैंने 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बनाएंगे, यानी हर घर में पकौड़ा होगा तो उसका दुकान चलेगा, तो खाने का काम देगा। आज कहीं ना कहीं से जो बेरोजगारी की समस्या बनती आ रही है, हमारा देश सबसे नौजवान देश है पूरी दुनिया में, और इस नौजवान देश के सबसे ज्यादा नौजवान का जो नाम है वो बिहार है, ये बात समझिए, और इस बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार भाई लोग हैं, काम की तलाश में कहां कहां आएंगे, देश विदेश हर जगह हमारे भले को लगा सकता है। आज कम से कम हम सब लोगों को ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए, नीतीश कुमार जी 15 साल से राज कर रहे हैं, पलायन और दुनिया आज जो सरकारी बहाना भी निकलती थी वो भी निकलना बंद हो गया, और थोड़ा बहुत निकलता भी है तो एक ही क्षेत्र के लोगों को उठाया जाता है, एक ही जात के लोगों को उठाया जाता है, आरसीपी टैक्स जो देगा उसी को मिलेगा, उसलिए आप देखिए आप नीतीश कुमार जी ने रोजगार ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पे ये सारा कर दिया, लेकिन बहाली किसी के लिए निकाले करके बताओ निकाला तो निकाला कुछ भी नहीं, इसलिए आप लोग ये बात समझिए, हम ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को रोजगार तभी मिलेगा
जब आरक्षण बढ़ेगा पिछड़ों का अति पिछड़ों का दलितों का महादलितों का आप सोचते रहिएगा कि आपको घर बैठे बैठे मोदी जी और हमारा पार्टी चर्चा बुलाएंगे रोजगार के लिए कहिए तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो विक्रमी सरकार है ये पूरा चीज जो है कुछ चंद लोगों के लिए काम करता है, हमारे गरीबों के लिए काम नहीं करता। आज आरक्षण जो है जो आप लोगों का अधिकार है, जो आप लोगों का मान सम्मान रखने का काम करता है, उसको हम लोगों को बचाने के साथ साथ बढ़ाने का काम करना है। बाबा अम्बेडकर ने जो आरक्षण का संविधान प्रदान करने का काम किया, जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था थी, जो भेदभाव चलता था, छुआछूत चलता था, दलितों को मंदिर में ले जाया दिया जाता था, दिन भर मजदूरी खेत में कटवाया जाता था, मालिक मालिक करके आप लोगों को जाना पड़ता था, खटिया पर लोगों को बैठने दिया जाता था, आज फिर से सत्ता में वही लोग आ गए हैं जो बाबा है उनके आरएसएस के बाबा, मोदी जी के बाबा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दलित या दलिता को नेता बन जाता है तो स्वर्ण जातियों का गुस्सा होना जायज है। हम देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बस चाहते हैं कि जो हमारा पिछड़ा है अति पिछड़ा है दलित है महादलित है जो आदिवासी भाई है उनको उनका अधिकार मिले। और आज कहीं ना कहीं से संविधान का खतरा है, संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है और पूरी तरीके से संविधान को बदल करके ये भाजपा वाले लोग नीतीश कुमार जी जो कर्पूरी लोहिया जेपी की बात करने वाले लोग आज कहीं ना कहीं से मोदी और भारत के चेहरे बन करके रह गए हैं और पूरी तरीके से हमारे संविधान को खत्म करके नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं सामाजिक न्याय को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, हम लोगों को सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा रखने का काम करना है। जो अंतिम मैदान पे खड़ा जो समाज है जो व्यक्ति है उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना है, उनको चीरे चलाना है, उनको हम लोगों को मान सम्मान देने का काम करना है। जिसकी लड़ाई लालू जी ने लड़ने का काम किया, लालू जी ने वैसे अंतिम मैदान पे खड़े व्यक्तियों को अपने सीने से लगाने का काम किया, खटिया पर लगाने का काम किया, उनकी आवाज को देने का काम किया, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया। यही कारण है जो बीजेपी की आंखों में लालू जी खटकने का काम कर रहे थे। यही कारण लोग जानते थे अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी भी के कारण में दम ले जो हमारा संविधान आरक्षण का मतलब बनते इसीलिए इसीलिए लालू जी को फंसा करके भेजा गया, लालू जी के मुकदमा हुआ, लालू जी गए बीजेपी वाला जो मौका था कि इसे केस मुकदमा कर दिया जाएगा तो समझिए लालू जी डरा जाएंगे। तो लालू जी कितने जो है सभी लोग सोचा है कि इस बार जी सबसे बड़ा नेता हुए थे बीजेपी वाला जो किसा सोचे कि लालू जी ऐसे कर रहे हैं बाल बच्चे सबसे मुकदमा कर दो हो सकता है परिवार के मुकदमा होने लगेगा तब अपने डरा देंगे अब भाजपा का समय घुटना टेक देंगे। अरे लालू जी किसी के गीदर भक्ति से डरने वाले नहीं है, हमारा पिता हमारा चेहरा है। लालू जी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, हम आपको वचन देते हैं। लालू जी ने झुकना नहीं देखा, हम आपको वचन देते हैं उनका बेटा भी उनके सामने झुकना नहीं देखेगा। और आप लोग समझिए हमारे मन में लालच होता, हमने आज तक अपने विचारधारा से हमारे पिता ने समझौता नहीं किया और न हम करेंगे। आज हम समझौता कर लेते अगर हम बेईमान होते, अगर हमने हमारे पिता ने अगर कोई गलती की होती तो आप समझिए जो डरपोक होता है वो इस तरह में जाता है।
कौन क्या चरण में भारत का चरण है, किसका जय कहा, सृजन घोटाले का जय कहा, सृजन घोटाले का जय कहा। हम ईमानदार हैं, हमारे पिता ईमानदार हैं, इसलिए हम लोग खड़े हैं और न्याय मिलने का काम कर रहे हैं। हम चाहते मन में न्याय होता तो हम तो भी थोड़ी सफल पाने, और हम बीजेपी के साथ मिलकर रहे हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसे कुछ को हम सौ पर नाक पाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सोचना है, विचारधारा है, जहां कुछ जो भी बात होगा उसके पीछे चल रहे उनको साथ ले। लेकिन बात समझिए, आज कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी आज आपको एक घटना बताते चाहिए, कोई नहीं जानता हो मुजफ्फरपुर में घटना हुई थी, हुआ था। हम क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार के काम के बचाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को फटकार लगाया गया, नीतीश कुमार जी को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नीतीश कुमार आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इतनी बड़ी बात, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये सरकार द्वारा ये किया गया घटना है। आज जो उस समय की इतनी डायरेक्टर सीबीआई जो थे नीतीश कुमार जी के साथ साथ सीबीआई को भी फटकार लगाया है, सीबीआई को कहा है लॉ इज ओनली टू सर्व योर मास्टर, नॉट एनी पॉलिटिशियन ब्रो डायरेक्टर्स। आप लोग ये कानून है वो अपने मास्टर के लिए है, सेवा के लिए, सर्व करने के लिए, किसी राजनेता या किसी अधिकारी को सर्व करने के लिए नहीं। तो समझिए इतनी बड़ी बात, हम लोग इसीलिए कहते थे ना कि सीजन का डर था, सीजन का डर था, बीजेपी के सामने पकड़ लिए वो अच्छे चेला बनकर के रहेंगे नीतीश कुमार जी, मोदी जी और भगत जी का, हालांकि मोदी जी से सीनियर नीतीश कुमार जी। लेकिन एक बात समझिए कि इतनी बड़ी घटना नीतीश कुमार जी के मुंह से अभी भी चुप्पी छा गई, नहीं बोले, नहीं बोले, इन्हें मन ग्राम कहानी बना के चल रहा है, चल रहा है। आज बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, अपराध हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, नेता से लेकर अधिकारी या पुलिस का तो इंकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति है नीतीश कुमार जी की छुट्टी नहीं हुई, ये गंभीर मसला है। नीतीश जी को बिहार की चिंता नहीं, नीतीश जी को समाज की न्याय की चिंता नहीं, नीतीश कुमार जी को धर्म एकता की चिंता नहीं है, नीतीश जी को खाली अपना छवि की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता। नीतीश जी आप गलत फहमी में है कि आपका छवि अच्छा है, आपका पूरा छवि रुपया प्लेट हो गया, जिस दिन से आपके महागठबंधन को और जनादेश का काम करने का काम किया। इसलिए आप सब लोग जानिए कि अभी भी नीतीश कुमार जी के एक मंत्री है बीजेपी पार्टी के, जिनको अभी भी बताया जा रहा है, और यही दरभंगा में जो हो सकता चुनाव लड़ेगा, जो नीतीश कुमार जी के करीबी है, बेहद करीबी है, 12 साल कदम मिला के चलते हैं, उनका भी सेंटर होम में लेना देना है, जो गवाही जो गवाही दी थी, जो बच्ची आज कहीं ना कहीं से गायब हो गई, वो मर गए, जिंदा है कहां गए कुछ नहीं पता, जो गवाह जिन्होंने उजाला करने का काम किया उसको मुजफ्फरपुर से भेज दिया गया माधुबन जी, ताकि अच्छे से सम्मान कर सके जान उसके बजाय नीतीश कुमार जी का नहीं हो। इतना गंदा, इतना गंदा काम किया इन लोगों ने। आप सुनिए, जो बच्ची बेसहारा जिसका माँ बाप नहीं, जिसका कोई भी, कल को आप हम लोगों के बहनों के साथ बेटियों के साथ अगर हो जाए तो उसके लिए आप खड़े हो, हम खड़े, लेकिन जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई भाई नहीं है, समझिए उस बच्चे के साथ लोगों ने इतनी गंदगी की, क्या नहीं किया, 8 साल की, 12 साल की, 5 साल की, 18 साल,
बच्चियों के साथ जाने के का काम किया, गलत काम करवाते थे, उनके साथ देने का काम करते थे, तरह तरह का काम करवा लिया। और होम सेंटर में सिर्फ बेसहारा बच्चे नहीं रहती थी, ये मधुबनी कॉलेज में आप तो समझिए कि इसमें ऐसी ऐसी लड़की भी रहती थी। मान लो प्रेम प्रसंग में खाना वाला पकड़ने का हम ले रहे हैं तो लड़की को भेज देता है वहाँ होम सेंटर, और वहाँ जबरन उसके साथ बलात्कार किया जाता है, वो बेचारी शर्म से कुछ नहीं कह पाती है, ऐसे भी कई मामले हुए। ये समझना पड़ेगा नीतीश कुमार जी, अभी भी अपना चुप्पी तोड़िए, अंतरात्मा धन के तेजस्वी ले जाएगा हर बात बात के अंतरात्मा, जब राजभवन में लेकर मेरा अंतरात्मा नहीं कह रहा नीतीश कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के प्रकार के बाद आपको अंतरात्मा कहा, हमको तो लगता है बंगाल की खाड़ी में डूब गया। कुछ शर्म कीजिए चाचा, आप हमारे चाचा है, पूरा सम्मान है, लेकिन अगर आप गलत काम कीजिएगा तो आपके खिलाफ हम बोलते रहेंगे चुप नहीं बैठे। इसलिए आप समझिए आरक्षण जो है मामला 1931 में जनगणना हुई, जिसके आधार पर नंबर कमीशन हुए, रिजर्वेशन देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। 1931 वाले जनगणना के आधार पर हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को आरक्षण दिया गया 1931, सोचिए कितना साल हो गए, आज क्या है 2019, यानी दलितों का, पिछड़ों का आबादी बढ़ाने के लिए बना है, मतलब 1931 वाला जो आरक्षण है वही हम लेंगे, वो तो लेना ही लेना, हिंदू मुस्लिम को लेना वो तो लेना ही लेना, लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि नया जनसंख्या उसकी गिनती हो, नया कास्ट सेंसस हो, आज के आधार पर हो, आज पता चले कि कौन जात का कितना आबादी है, जिसका जितना आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये हमारी मांग है, इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ने का काम कर रहा है। लोग बोले कि स्वर्ण आरक्षण 10% जो है, देखिए भाई आरक्षण किसको दिया गया, जनरल को दिया गया, स्वर्ण को नहीं, जनरल जनरल, और 10% उसमें लिखा गया कौन गरीबों को। देखिए हम मानते हैं कि गरीबी जो है स्वर्गों में भी है, दलितों में भी, पिछड़ों में सब लोग, लेकिन आरक्षण जो है वो आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, वो मनरेगा योजना नहीं है, आरक्षण का प्रावधान संविधान में इसलिए किया गया था ताकि भेदभाव जो करता था, जो जात पात जिस प्रकार से नीचे दिखाने की प्रवृत्ति थी, जो रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल था उसको लेकर के आरक्षण दिया गया। और हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ये जो आरक्षण जो दिया गया 10%, ये गरीबों को नहीं दिया गया है, ये स्वर्ण अमीरों को दिया गया है, हम तो प्रति स्वर्ण गरीबों के साथ खड़े हैं। आप समझिए कि 8 लाख सालाना कमाने वाला, यानी महीने में 66,666 रुपए कमाने वाला गरीब होता है क्या, जो महीने में 66,666 रुपए कमाए क्या वो गरीब है, तो 5,000 कमाने वाला क्या, 10,000 कमाने वाला क्या है, तो क्या आरक्षण गलत है किसे नहीं आप बताओ, आप बताइए जिसको 5 एकड़ जमीन है उसको भी आरक्षण, आप बताइए जो भूमि नहीं है, जो रोड पर सोने वाला लोग है उसको आरक्षण मिलना चाहिए था कि जिसको 5 एकड़ जमीन है उसको मिलना चाहिए, आप बताओ सही की गलत है, तो हम उसका विरोध करें कि नहीं करें, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का लगातार मिला है यहाँ तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले, लेकिन इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी हम लोगों को नहीं दिया गया, लेकिन 72 घंटे में निजी क्षेत्र में भी हम लोगों को आरक्षण दे दिया गया, जो ऑलरेडी वहां पे उनको कोई तकलीफ नहीं है,
जो आसानी से मिल जाता है। आप बताइए कौन गरीब का लड़ाई लड़ने वाला? अनिल जी चुप के साथ रहे, सहयोग कराने आज को खत्म कर देंगे संविधान खत्म करने नरेंद्र मोदी जी का। आज हम लोग इस लड़ाई को लेकर आप लोगों के बीच लड़ाई का काम किए हैं और ये लड़ाई जब तक मेरे नौजवान भाई आप लोग सड़कों पर नहीं आओगे, जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक कोई आपका सुनने वाला नहीं। अभी भाप राज प्रधानमंत्री लगा करके आरक्षण देकर के 10% समझिए ये पिछड़ों में दलितों में क्या रिएक्शन होता है। आप ठंडे पड़ जाओगे तो इसी तरह से आपको कुचल देने का काम करेंगे, आपको कभी आगे आने नहीं देंगे। और हम लोगों को तो अपना जो पीढ़ी है उसके बारे में तो जनता बाबा कहते थे ना कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करने का काम करेगी। आज अगर हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने अधिकारों को लेने के लिए नहीं आएंगे, तो आप समझिए कि आने वाला समय आप लोग पछताइएगा और फिर से वही दिन देखिएगा, सब मानक करते रहिएगा, जूठा खाना खाइएगा, नया कपड़ा मत पहनिएगा, पतला पहनिएगा, बिना जूता के आप घूमिएगा, मंदिर में जाइएगा, कुआं का पानी मत पिलाइएगा, कुछ नहीं होगा वही दिन देखिएगा। तो आप लोग समझिए, सचेत रहिए, यही सचेत करने आप लोगों को आए हैं। ये मामला ये लड़ाई हम अपने नहीं आए हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको तो 35-40 के ऊपर मौत हो रहा है। डिप्टी सीएम को हम खड़ा हो रहा तो हमसे उस दौर का कोई डिप्टी को गलत गलत कर नहीं कर पाए, निकाली नहीं पाए, ढूंढते रह गए कि कौन हम गलत काम के लिए मिला, क्यों मिलेगा हमें मौसा ही। लेकिन जब मेरा भरोस लेता तेरा साल का पता नहीं कहाँ से केस लेके हम रेलवे में बैठे झूठा लगा आप तो जिसका भरोस नहीं उठता झूठा लगा रहे खेले कूदरे का होना हमको क्या आ गया ना क्या समझ भाई सुन कैसे कुटना खोटा है कैसे टेंडर में गया था हमको पता है। किसी बच्चा से पूछ लिया देखा तेरा साल बाबू क्या होता है टेंडर कैसे भरा जाता है और उसका सेटिंग कैसे किया जाता है ये बता। आप समझिए हमको उसका मुकदमा कर दिया, अरे मेरे से तो किया, मेरे मम्मी से भी किया, मेरे भाई से भी किया, पापा को तो जेल भेज दिया, मेरे सात बहन है सातों बहन से किया, सात बहन है मेरे सातों जिया दी है, सातों जिया जिया दिया और सात जिया दी है, सात बहन है तो समझे कि उनके ससुराल वाले हैं तेरे कितना उत्सव होगा जो गरीबों के लड़ रहे, शोषितों के लड़ रहे, वंचितों के लड़ रहे और हमको लड़ना पड़ा हम चंद्र जी के लिए मिल गया, हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन हम अपने विचार हम आप लोगों के बीच है, आप लोगों की लड़ाई है और हम चाहेंगे आ रहे थोड़े हाथों को जाने के हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे। और एक बात आप कहना चाहती है 40 सीटों का चुनाव है, चुनाव सामने आ गया, हम लोगों को महागठबंधन है 40 सीटों का चुनाव हो रहा है, आप 40 को 40 को जिताने का काम कीजिए। यहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे गरीबों की लड़ाई है, उसके आपको पार्टी को समर्थन देने का काम कीजिए, महागठबंधन को आपको समर्थन देने का काम कीजिए। इसलिए ज्यादा कुछ ना करके हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिएगा और बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, आंदोलन को भी मजबूत कीजिएगा और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए भी जिन्होंने बाघ पकड़ा लिया, आज दीवान है पकड़ लिए है, अभी भी घुटना नहीं टेक रहे, लालू जी ने जिंदगी भर आप लोगों की लड़ाई लड़ी, हम इतना चाहेंगे
कि नाम जी ने भी आप लोग बनाए रखने का काम किए, उनको भी मैं बनाने का काम किए। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और एक बार जितने लोग यहाँ दूर दराज से आए, कहीं भी खड़े रहो, एक बार अपने भाई बेटे को हाथ उठा करके आशीर्वाद लेकर करते आशीर्वाद Yeah.